जय भोले की। आज मैं पंच कैलाशी दीपक पर आपको शिरडी नगरी के प्रसादालय या भोजनालय ले जाऊंगा, जिसका सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ था 5 मार्च 2024 को। साई समाधि से लगभग 1.5 किलोमीटर के दूरी पर ये भोजनालय स्थित है। सुबह के 10 बजे से लेके रात के 10 बजे तक साई भक्तों को यहाँ पर प्रसाद मिलता है। ये प्रसाद जो है निःशुल्क है। किसी भी वक्त पर लगभग 3,500 लोग यहाँ पर बैठ के प्रसाद का आनंद ले सकते हैं। काउंटर से कूपन लेकर आप भोजनालय में प्रवेश कर सकते हैं और बैठकर भोजन कर सकते हैं। गर्मा गर्म चपाती, चावल, दाल, 2 सब्जी और 1 स्वीट, जितना चाहिए उतना आप खा सकते हो। स्वच्छ और स्वादिष्ट प्रसाद। बगल में ही एक अम्यूजमेंट पार्क और शॉपिंग सेंटर है। आप यहां से काफ़ी कुछ खरीद सकते हो और अम्यूजमेंट पार्क में आपके बच्चे खेल भी सकते हैं। साई भोजनालय के 2 मिनट के दूरी पर एक बहुत बड़ी साई बाबा की मूर्ति है, जो उनके भक्तों को आशीर्वाद देती है। इसी मूर्ति के बगल में एक सैंड म्यूजियम है, साई सैंड म्यूजियम। यहाँ का एंट्री फी जो है वो 30 रुपये है। फोटोग्राफी भी यहाँ पर अलाउड है। यहाँ पर साई बाबा के जीवन के अलग अलग क्षणों के जो है मूर्ति बनाए गए हैं सैंड में। बहुत खूबसूरत जगह है, काफ़ी कम लोग आते हैं, तो आपको इस जगह का आनंद ज़रूर लेना चाहिए। सैंड आर्टिस्ट नारायण साहू, ओम प्रकाश बारिका और दशरथ मोहंता ने बहुत मेहनत करके यहाँ पर ये मूर्तियाँ बनाई हैं। इस अद्भुत म्यूजियम का दर्शन करके हम फिर से रिटर्न हुए द्वारावती निवास में और हमने प्रसाद लिया। जय भोले की। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः। साई नमो नमः।
श्री साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः। साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः।